हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है आपको हम एक अपडेट देने वाले हैं। जो भी महिला छात्र, हाँ फ्रेंड्स, ये आप सच सुन रहे हैं, महिला जो है कैंडिडेट जो पुलिस कांस्टेबल के लिए लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है फॉर्म अप्लाई की थी, यानी कि हिंदी में बताया जाए तो स्वाभिमान पुलिस महिला बटालियन सिपाही का जो भी फॉर्म जो है भरी थी, उनके लिए जो है एक सुनहरा अवसर है कि वो जो है 4/10/2020 को इनकी जो है परीक्षा होने वाली है, यानी कि 4 अक्टूबर से जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी महिला बटालियन के लिए, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई की थी, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट जो है आ गया है। और जो है ये जो है स्वाभिमान पुलिस महिला बटालियन सिपाही का जो है परीक्षा है फ्रेंड्स, जो कि आपको जो है अक्टूबर में होने वाला है। तो इस वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स, आपको जो है पीडीएफ भी जो है कैसे करके आपको देखना है, डाउनलोड करना है, सारी चीज़ जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एडमिट कार्ड कब आएगा तो जो है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फाइनली आ गए हैं हम नोटिफिकेशन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन 67 सिपाही भर्ती, जो भी महिला कैंडिडेट जो है महिला स्वाभिमान पुलिस बटालियन में फॉर्म भरी थी महिला को लेडी कांस्टेबल है ना के लिए, वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना आपका 454 पदों पर। यहाँ आपका एग्ज़ाम जो है 4/10/2020 को होने वाला है, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 10 से 12, 9 बजे आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम होगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका जो है विज्ञापन संख्या 1/2020 है। और जो है जो भी महिला कैंडिडेट बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में जो है फॉर्म भरी थी, उनके लिए एडमिट कार्ड जो है आपका जो है 15 तारीख से जो है जारी कर दिया जाएगा, 15 सितंबर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो है इस साइट पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है कहाँ से करना है। आप इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है आपका जो है ये इंटर आपको ले जाना है, ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड, ये सब जो है आपको ले जाना है। यहाँ पे जो है सारा दिया गया है, इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो धुन आपको नहीं है, उपलब्ध नहीं है ऐसा स्थिति में, तो आप जो है 2 माह का खिंचाया हुआ फ़ोटो आप ले जा सकते हैं, है ना, 2 पासपोर्ट साइज़ का। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा लिखा हुआ है। और जो है आपका अगर डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है तो 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है आप कार्यालय में जाकर अपना ई डुप्लीकेट जो है बना सकते हैं एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र की सूची 25 सितंबर 2020 से जो है यानी 25/9/2020 से जो है वेबसाइट पर लागू कर दिया जाएगा। आपका परीक्षा OMR बेस्ड होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है कोई भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जो है आप हमें कॉमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सारा जानकारी पूरा हो गया। अब आपको जो है देखना कहाँ से, तो बने रहिए मेरे वीडियो। और जो है डिस्क्रिप्शन में PDF भी जो है मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना, इस नोटिफिकेशन को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको जाना है सरकारी रिजल्ट पे, सरकारी रिजल्ट पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का जो है पेज खोल के आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो है स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एग्ज़ाम, जो भी इनके लिए फॉर्म फिलअप की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/10/2020 को होने वाला है, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 15/9/2020 को, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है ऊपर और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के साथ में आपको इस तरह का जो है पेज खोल के आएगा, आप देख सकते हैं, है ना। और जो है नोटिफिकेशन पूरे आप पढ़ सकते हैं। तो यही जानकारी देना था फ्रेंड्स, इस तरह का जो है पेज खोल के आएगा। और जो है आप अपना सारा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है PDF का मेंशन कर देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी तरह का जो है पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।
और रिक्वायरमेंट्स अपडेट जो है हम हमेशा लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए रिक्वायरमेंट के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।